अमेरिका भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच जारी संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन की निराशा अब साफ नजर आने लगी है। जापान की मियोका स्ट्रेट के ऊपर चीन के 6 वायर प्लेन ने उड़ान भरी है और इसके बाद चीन ने जापान को धमकी दे डाली है। चीन ने जापान को धमकाते हुए कहा कि उसे अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जापान के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि चीन के जियान H-6 बॉम्बर्स का उड़ना असाधारण था। चीन की नेवी और एयरफोर्स की ओर से वेस्टर्न पैसिफिक में कई युद्धाभ्यास किए गए हैं। चीन ने इन युद्धाभ्यासों के जरिए अपनी ताकत का एक और नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा करना पूरी तरह से कानूनी और ठीक था। चीन की माने तो आगे भी इस तरह के उसके फाइटर जेट उड़ान भरते रहेंगे। चीन का मानना है कि जापान को इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। चीन ने कहा कि जापान के लिए बेहतर होगा अगर वो इसकी आदत डाल ले। आपको बता दें कि मियाको स्ट्रेट जापान के मियाको और ओकिनावा के बीच स्थित है। ये ताइवान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश बताता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि चीन के बॉम्बर्स उसके एयर स्पेस से थोड़ी ही दूर पर उड़ रहे हैं और ताइवान ने करीब से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी है। टीम इंटेलिजेंस।